हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल गैंग्स ऑफ स्टडीपुर मेक सम स्टडीपंथी। मैं मुरारी कुमार पांडे आज आपके बीच लेके आया हूँ अप्रैल मंथ का करंट अफेयर रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है। फ्रेंड्स, जो भी आपके अप्रैल मंथ में करंट अवेयरनेस हुई है उन सभी रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने लेके आओ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, तो मैं चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो, पहला क्वेश्चन है आपका, भारत के किस निजी क्षेत्र के बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है? तो उसका पहला का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स इसका, ICICI बैंक ने भारत पहला है जो व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है। व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की बात करते हैं फ्रेंड्स, इसमें है क्या व्हाट्सएप बैंकिंग में क्या हो रहा है? अभी कोरोना में जो टाइम है, कोरोना पीरियड चल रहा है, तो कोरोना पीरियड्स में क्या हो रहा है फ्रेंड्स, बैंक सारे जो बैंक है वो कम है जो एम्प्लॉय को लेकर के काम कर रहे हैं, और यूज़र के प्रॉब्लम्स तो उतने के ही उतने आ रहे हैं जो पहले आ रहे थे फ्रेंड्स। तो इस चीज़ से यूज़र्स को सॉल्यूशन देने के लिए ICICI बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है, जिससे कि सारे कस्टमर्स अपना मीटिंग है जो व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, अपना प्रॉब्लम्स वहाँ पे डाल सकते हैं और अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको उनको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही अच्छा है जो उन्होंने अपना सेवा शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उस व्यक्ति का नाम बताएं जिनके नेतृत्व में कोरोना वायरस टेस्ट किट माई लैब पैथो डिटेक्ट COVID-19 क्वालिटी PCR किट बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, मीनल दखावे भोसले इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये एक है जो मीनल दिखाए भोसले है जो माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन में है, जो ये क्या है, एक वायरोलॉजिस्ट है जिनके नेतृत्व में एक टीम मिलकर के है जो ये PCR किट को बनाया है, और इंडिया का यह पहला है जो सबसे पहला ये संस्था होगा जिनको PCR किट बनाने का अप्रूवल मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक द्वारा इंडिया को COVID-19 से स्वास्थ्य विभाग में सुधार लाने के लिए कितनी रकम का सहयोग दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, $1 बिलियन का सहयोग है जो वर्ल्ड बैंक द्वारा इंडिया को किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा विकसित की गई COVID-19 ट्रैकिंग ऐप है, ये है जो आपका आरोग्य सेतु है जो केंद्र सरकार द्वारा विकसित की गई COVID-19 ट्रैकिंग ऐप है। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, आरोग्य सेतु ऐप है जो किसी भी यूजर्स के फ़ोन में है, तो वो क्या करता है आरोग्य सेतु, अगर आपके आसपास कोई कोरोना पेशेंट्स वगैरह है तो आपको इस चीज़ से अवेयर कराता है और आपको दूर होने की हिदायत देता है। ठीक है, ये है जो आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित की गई आरोग्य सेतु ऐप है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपका, भारत के कौन से इंस्टीट्यूट में स्वदेशी वेंटिलेटर का निर्यात किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा IISc बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी बेंगलोर। यहाँ के स्टूडेंट और साइंटिस्ट ने मिल करके है जो एक पुराना प्रोजेक्ट के अंतर्गत इन्होंने है जो इस वेंटिलेटर का निजात किया, जिससे कि जो भी कोरोना पेशेंट होंगे उनको स्वास्थ्य हेल्थ रिलेटेड जो भी इंस्पायरेशन सिस्टम में दिक्कत होता है, सांस लेने में दिक्कत होता है, तो उससे प्रॉब्लम को सोल्यूशन के लिए है जो इस सस्ते दाम पर एक वेंटिलेटर का, स्वदेशी वेंटिलेटर का निजात किया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, जो काफ़ी ही यूजफुल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा संगठन ने कोरोना वायरस रोगियों को इलाज करने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को पूर्ण चेहरा ढाल बनाने के लिए विप्रो 3D साझा किया है? तो ये इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, DRDO नहीं है जो विप्रो 3D के साथ मिलकर के जो भी डॉक्टर्स हैं जो कोरोना का ट्रीटमेंट करते हैं, तो उनके सेफ्टी के लिए उन्होंने है जो एक फुल फेस सेफ्टी शील्ड बनाया है, जिससे क्या होगा जो भी डॉक्टर होगा उनको कोरोना से बचाया जा सके। ठीक है, तो बात करते हैं फ्रेंड्स DRDO की। DRDO से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। DRDO का पूरा नाम है फ्रेंड्स, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो वर्तमान में यहाँ के चेयरमैन है G. Satish Reddy, इस चीज़ को भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत मंत्रालय का नाम बताए जिसने भारत में फंसे राइट इन में इसका स्टैंडर्ड इन इंडिया नामक पोर्टल का लॉन्च किया है। तो ये स्टैंडर्ड इन इंडिया का पोर्टल का लॉन्च किसने किया है? पर्यटन मंत्रालय ने है जो इस चीज़ का, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, पर्यटन मंत्रालय, इन्होंने है जो ये पोर्टल को लॉन्च किया, जिससे क्या है कोई भी विदेशी है जो अभी इंडिया में फंसे थे, जैसे आपने कई न्यूज़ वगैरह भी सुना होगा कि कई विदेशी यहाँ फंसे थे, तो उन विदेशियों को जो इंडिया में फंसे हैं, क्योंकि उनकी ज़्यादा जानकारी होती नहीं है देश के बारे में, कहाँ पे क्या जाना है, और इस टाइम पे कोई है जो उनको टूरिज्म के लिए सुविधा भी नहीं दे पाएगा क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, तो इस चीज़ से सॉल्यूशन के लिए है जो उनको सुविधा देने के लिए टूरिज्म मंत्रालय ने है जो ये स्टैंडर्ड इन इंडिया लॉन्च किया। इस पोर्टल पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करें, और जिससे क्या होगा उनको
है जो वहाँ से फिर निकाला जा सके। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा फ्रेंड, टूरिज्म मंत्रालय, ठीक है, इस चीज को याद रखें। अगला क्वेश्चन है, कौन सी यूनिवर्सिटी में विश्व का पहला सरकार कोविड 19 प्रतिक्रिया ट्रैकर कोविड 19 ट्रैकर का शुभारंभ किया? तो ये है जो आपका ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, राइट आंसर कौन सा हो सेकेंड नंबर, इन्होंने है जो कोविड 19 ट्रैकर ऐप है जो अपने गवर्नमेंट के लिए सबसे पहले बनाया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है, भारत का पहला राज्य नाम बताएं जो कोविड 19 रोगियों को प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद और एलोपैथा के एकीकृत कर उपचार किया। तो ये है आपका गोवा। गोवा की बात करते हैं तो गोवा के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर प्रमोद सावंत, प्रमोद सावंत एक खुद में है जो आयुर्वेद चिकित्सक हैं, तो उनके एडवाइजरी के अकॉर्डिंग है जो उन्होंने आयुर्वेद और एलोपैथ को एक साथ मिला करके है जो कोविड कोरोना पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए है जो शुभारंभ करवाया है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने फूड बैंक का आरंभ किया? तो ये होगा राइट आंसर इसका मणिपुर। मणिपुर ने है जो फूड बैंक सेवा का शुभारंभ किया। नाम से पता चलेगा फ्रेंड फूड बैंक है क्या। तो फूड बैंक एक तरह से ये है, जो भी कोरोना की वजह से अभी आपके इंडिया में जो लॉकडाउन चल रहा है तो उस लॉकडाउन के कारण कई भी प्रवासी मजदूर जो कहीं दूसरे जगह पे काम करते हैं, डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, और कोई गरीब लोग हों जिनको है जो खाने की सुविधा नहीं बन पा रही हो, भूखे बेचारे मर रहे हो, तो उससे सॉल्यूशन के लिए ये है जो मणिपुर सरकार ने फूड बैंक सेवा का आरंभ किया, जिससे कि सभी गरीब लोगों के बीच है जो मुफ्त में खाना मुहैया कराया जाए, दिया जाए, ताकि लोग भूखे ना मरे, ठीक है। तो ये है आपका राइट आंसर मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कोविड 19 से होने वाली हानि तथा अपने स्वास्थ्य विभाग में सुधार लाने के लिए कितनी राशि पैकेज को मान्य किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 15,000 करोड़। भारत सरकार ने 15,000 करोड़ को मान्य किया है जो आपके कोरोना से मतलब लोगों को सुविधा दिया जाए, निजात पे आ जाए, स्वास्थ्य सुविधा अच्छा किया जाए, तो इसके लिए है जो 15,000 करोड़ की सरकार ने मंजूरी दी है। अगला है, वारबोर्ड डिजाइन करने वाली संस्था का नाम क्या है? वारबोर्ड, तो इसका राइट आंसर होगा IIT रोपड़, जो कहाँ है, पंजाब में है। यह संस्था कहाँ है, पंजाब में है। यहाँ के स्टूडेंट्स ने मिल करके है जो बारबोट नामक है जो सुविधा को आरंभ किया है। बारबोट क्या है, बारबोट एक तरह का ड्रोन है जो जो भी है जो कोरोना के अंदर लॉकडाउन चल रहा है तो उस कोरोना से बचाव के लिए उन्होंने क्या किया है, बारबोट के जरिए, ड्रोन के जरिए है जो फूड मेडिसिन जो भी नेसेसरी आइटम्स है उन चीज़ को डिलीवरी देने की सुविधा प्रदान किया, जिससे क्या होगा विदाउट मैन इंट्रैक्शन, विदाउट ह्यूमन मतलब मैन पावर के है जो ये लोगों के बीच है जो एक जगह से दूसरी जगह फूड और मेडिसिन वगैरह का डिलीवरी कराएगा, जिससे क्या होगा आपका कोरोना से ज़्यादा लोग मतलब कोरोना से लोग है जो पीड़ित ना हो पाए। क्योंकि अभी आपको कई सारे केसेस मिले होंगे फ्रेंड्स जिसमें क्या देखा गया होगा कि डिलीवरी बॉय के थ्रू कोरोना पाया गया, जिससे कई लोग है जो संक्रमित हो गए। तो इस चीज़ को बचाव के लिए IIT रोपड़ ने है जो वारबोर्ड सुविधा को लाया। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है, कोविड 19 का मुकाबला के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा लोन के रूप में भारत को देने के लिए क्या अनुदान मंजूर किया गया था? तो यह है इसका राइट आंसर $1.5 बिलियन है जो एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा है जो मंजूर दिया गया है जो कोरोना से निजात पाए। इसका $1.5 बिलियन का पूरा जो मतलब कितने इंडियन रुपीज में हो गया, तो इसका हो गया 11,400 करोड़ इंडियन रुपीज, ठीक है, याद रखिएगा इसको, बहुत ही बड़ी अमाउंट है। अगला क्वेश्चन आपका, कोविड 19 से लड़ने के लिए अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा तैयार किए गए उच्च दाब वेंटिलेटर का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा वीतल। वीतल है जो अमेरिका नासा एजेंसी द्वारा हाई प्रेशर वेंटिलेटर को लॉन्च किया गया। वीतल की बात करते हैं, वीतल का पूरा नाम है वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एसेसिबल लोकली। इससे क्या है, इसके नाम से अर्थ ये है कि जो भी लोकल संस्था है जहाँ पे कोरोना का जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है वहाँ पे आसानी से ये हाई प्रेशर वेंटिलेटर को अवेलेबल कराया जाए, जिससे क्या होगा जो भी कोरोना पेशेंट है उनको सांस लेने में जो दिक्कत आ रही है उससे है जो निजात पाया जा सके, उनको रिलीफ दिया जा सके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 का विषय क्या है? तो वर्ष 2020 का विषय है सभी के लिए वैक्सीन का काम, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। मतलब क्या है कि अभी जो 2020 में सबसे बड़ा एक पैंडेमिक है वो है आपका कोरोना, और उस कोरोना से है जो अभी तक निजात पाया नहीं गया है, तो इसका है जो एंटीडोट्स बनाने के लिए है जो सभी को ध्यान इसी ओर केंद्रित करना चाहिए, जिससे क्या होगा अपना इसके लिए एक वैक्सीन बन सके।
ठीक है फ्रेंड, तो इसका ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। उस संगठन का नाम जिसमें COVID-19 पर भारत में छात्र और शिक्षकों के साथ ऑनलाइन संवादों को लॉकडाउन से छात्र श्रृंखला शुरू की गई है, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स UNODC। UNODC है जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। इन्होंने है जो ये लॉकडाउन सीरीज का है जो स्टार्टअप किया है, जिससे क्या होगा, इस लॉकडाउन सीरीज का मतलब क्या है कि जो भी व्यक्ति कोरोना से रिगार्डिंग जानना चाहता है, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ चाहता है, तो उनको मुफ्त में है जो ये चीज़ें अवेलेबल कराया जाए, जिससे कि लोगों के बीच है जो कोरोना के रिगार्डिंग अवेयरनेस हो। अब बात करते हैं UNODC का, तो UNODC का पूरा नाम है फ्रेंड्स द यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक रसोई के लिए जियोटैग प्राप्त करने के लिए देश का पहला राज्य है, तो सामुदायिक रसोई के जियोटैग प्राप्त करने का देश का पहला राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को है जो भारत सरकार द्वारा सामुदायिक रसोई का जियोटैग प्राप्त हुआ है। इसका मतलब क्या है ये सामुदायिक रसोई का, तो उत्तर प्रदेश में जो टोटल 75 जिले हैं, 75 जिले हैं, उस 75 जिले में है जो बहुत सारे प्रवासी मजदूर, बहुत सारे भूखे गरीब लोग हैं, तो उन सभी के लिए है जो भोजन बनाने के लिए 7,368 है जो सामुदायिक रसोई है, कम्युनिटी किचन है जो बनाया गया है, जिसमें क्या होगा पर डे 12 लाख पैकेट है जो फूड पैकेट बनाया जाएगा, और इन 12 लाख पैकेटों को गरीबों के बीच है जो पहुंचाया जाएगा, जिससे गरीब लोगों को खाना मिल सके। तो ये था आपका सामुदायिक रसोई फ्रेंड्स, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताएं जिससे पोकर ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स MS धोनी। MS धोनी को है जो पोकर ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम जो बैडमिंटन विश्व संघ, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किए गए हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स PV सिंधु। PV सिंधु का है जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, जो कि ये काफ़ी ही है जो टॉप लेवल प्लेयर हैं, कई बार गोल्ड मेडलिस्ट हो रह चुके हैं जो प्लेयर हैं, तो इनको इसलिए ब्रांड एम्बेसडर है ताकि लोगों का है जो बैडमिंटन के प्रति इंस्पायरेशन मिले, लोग इसके प्रति है जो रुचि दिखाएं, ठीक है, तो इस चीज़ को देखते हुए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, RV भूसकोटे जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो एक थे, तो RV भूसकोटे है जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है, जो कहाँ के थे फ्रेंड्स महाराष्ट्र के, इनके ये है जो क्वाइट इंडिया मूवमेंट के लिए है, जो भारत में शांति मूवमेंट के लिए है, जो ये फ्रीडम फाइटर थे, जो कहाँ के थे महाराष्ट्र के, हाल ही में इनका 94 साल की उम्र में निधन हो गया फ्रेंड्स, ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, इरफान खान जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो एक क्या थे, तो इरफान के खान के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन फिर भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस चीज़ को याद रखना चाहिए। तो इरफान खान एक क्या है, अभिनेता थे, एक्टर थे, जो है कि आपके हॉलीवुड बॉलीवुड दोनों फिल्म इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं। इनके हॉलीवुड में कई सारे फिल्म आए, स्लम डॉग्स मिलियनर्स, लाइफ ऑफ पाई, है ना, ये सारे हैं जो अमेजिंग स्पाइडरमैन, ये सारे इनके हॉलीवुड फिल्म हैं, और बॉलीवुड तो हर कोई जानता हो क्योंकि एक बहुत ही अमेजिंग एक्टर थे, ठीक है, जो अपने कला के दम पे है जो इंडस्ट्री में अपना नाम बना रखे थे फ्रेंड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 22वां नंबर, अप्रैल 2020 में निधन हो चुके फिलिप वॉरेन एंडरसन किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता थे, तो फिलिप वॉरेन एंडरसन है जो भौतिकी के क्षेत्र में है जो ये नोबेल विजेता थे, ये कहाँ के, अमेरिका के हैं, जिन्होंने फिजिक्स में मैग्नेटिज्म, सुपर कंडक्टिविटी, इन सभी क्षेत्रों में जिनको नोबेल प्राइज दिया गया, इन सभी क्षेत्रों में इन्होंने काम किया है। अगला क्वेश्चन है 23rd नंबर, 2021 में एशियाई युवा खेलों के तीसरे संस्करण में मेजबानी करने वाला देश का नाम है, वो है आपका कौन, चाइना। चाइना है जो 2021 का यूथ जो गेम है, यूथ चैंपियन गेम है, जो वो मेजबानी करने वाला है, ठीक है। अगला फ्रेंड्स है क्वेश्चन, किस कंपनी के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने स्वास्थ्य कर्मियों को अग्रिम पंक्ति परिवहन सेवाएँ प्रदान करने के लिए भागीदारी की है, तो इसका राइट आंसर होगा ऊबर। ऊबर नहीं है जो जो भी आपके डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, जो आपके कोरोना पेशेंट वगैरह का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उनको है जो एक से फुली ट्रांसपोर्टेशन देने के लिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में भी लोगों से इंस्पेक्शन हो सकते हैं, संक्रमण हो सकता है, तो उस चीज़ को देखते हुए ऊबर के साथ है जो पार्टनरशिप करके है जो ऊबर ने ये है जो जिम्मा उठाया है कि लोगों को है जो डॉक्टर वगैरह को
ट्रांसपोर्टेशन सुविधा देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दृश्यता को अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 31 मार्च को है जो ये ट्रांसजेंडर दिवस मनाया जाता है। इसका थीम क्या है इस वर्ष का, तो मोर देन विजिबिलिटी, मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को है जो जागरूक करना, किसके प्रति, ट्रांसजेंडर के प्रति, उनके प्रति जो हीन भावना है उस चीज़ को दूर करना। तो इसका मेन मोटो यही थीम है, मेन थीम यही है। अगला क्वेश्चन है, नासा ने किस वर्ष है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला मानव बेस कैंप आर्टेमिस स्थापित करने की योजना बनाई है? नासा ने है जो 2024 में है जो मानव बेस कैंप साउथ पोल पे चंद्रमा के बनाने की प्लान किया है। अगला क्वेश्चन है, उस देश का नाम जो वीपो के पेटेंट सहयोग संधि में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट भरने के विश्व नेता बन गए हैं, तो वो है आपका चाइना। चाइना ही है जो वीपो का है जो अभी वीपो में फर्स्ट नंबर पे है। वीपो का मतलब क्या है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि क्या है, वर्ल्ड में जो भी सबसे ज़्यादा जहाँ पे प्रॉपर्टी के लिए जो एप्लीकेशन वगैरह भरते हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह होते हैं, जो प्रॉपर्टी वाले लोग होते हैं, तो ये है जो वीपो चाइना में है जो सबसे अधिक 5,800,990 का एप्लीकेशन है जो अप्लाई करके ये वर्ल्ड में पहले नंबर पर आ गया है चाइना। उसके बाद है जो आपका चाइना के बाद है जो कौन है, अमेरिका है, यूएसए, और 14th नंबर पे आपका है जो इंडिया है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उस मोबाइल कंपनी का नाम बताएं जिसने डार्क स्काई नाम का मौसम ऐप अधिग्रहण किया है, तो इसका राइट आंसर होगा एप्पल। एप्पल ने है जो डार्क स्काई नाम का है जो वेदर ऐप अभी है जो लिया है, जिसका काम क्या होगा कि एप्पल का जो होता है ना, जैसे सारे फ़ोन में वेदर वगैरह डिटेल आता है, 19 डिग्री ये, 19 डिग्री, 20 डिग्री वो, तो ये सारी सेम है जो एप्पल में भी लाने के लिए है जो उन्होंने डार्क स्काई ऐप को अधिग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन है, छोटे फाइनेंस बैंक का नाम जिसने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया, जिसका नाम है डिजिजेन, तो इसका राइट आंसर होगा जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिन्होंने डिजिजेन है जो डिजिटल मार्केटिंग में लाने के लिए अपना लॉन्च किया है पोर्टल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर का नाम जो IMF 12 सदस्य का बाहरी सलाहकार समूह का हिस्सा है रहा है, तो वो है राइट आंसर इसका IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स रघुराम राजन। ये है जो अभी IMF के जो 12 सदस्य का एक ग्रुप बना है उसके है जो मेन एडवाइजरी चीफ है जो रघुराम राजन का बनाया गया है। ये क्या है आपके पूर्व है जो गवर्नर, फॉर्मर गवर्नर है RBI का। अभी बात करते हैं RBI का, तो RBI का वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स कौन, शक्तिकांत दास है जो अभी वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं। और RBI की बात करते तो इसकी स्थापना थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को, इसको भी याद रखें फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लूटूथ सिग्नल का उपयोग करके कोरोना वायरस कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग तकनीक बनाने के लिए किस स्मार्टफोन कंपनी ने गूगल के साथ संबंध बनाया है, तो इसका भी राइट आंसर होगा फ्रेंड्स एप्पल। एप्पल नहीं है जो ब्लूटूथ सिग्नल का उपयोग करके कोरोना वायरस कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, जो भी कोरोना के रिलेटेड जो पेशेंट होंगे उनको ट्रेसिंग करने के लिए है जो एप्पल ने ये सुविधा लॉन्च किया है गूगल के साथ मिल करके। अगला क्वेश्चन है, पहले भारतीय राज्य का नाम जिसे COVID-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी उपचार SCTIMST के लिए नौदैनिक निशान का संचालन करने के लिए ISMR की मंजूरी मिली है, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स केरल। केरल को है जो इस चीज़ की मंजूरी मिली है। ये जो SCTIMST है ये एक इंस्टीट्यूट है, श्री चित्रा त्रिनुमल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस इंस्टीट्यूट को है जो सबसे पहले मंजूरी मिली थी प्लाज्मा थेरेपी टेस्ट को करने के लिए, जो कहाँ पे है, केरल में है, तो इस चीज़ को भी याद रखें फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, वन कॉप वन गैंगस्टर किस राज्य में शुरू किया गया है? वन कॉप वन गैंगस्टर मतलब ये है जो उत्तर प्रदेश के राज्य में शुरू किया गया है, इसका मतलब ये है कि यहाँ के गाजियाबाद पुलिस ने ये जो चीज़ है लॉन्च किया है वन कॉप वन गैंगस्टर, मतलब हर एक पुलिस वाले का काम यह है कि वो एक गैंगस्टर को ख़त्म करे। ठीक है, जिससे क्या होगा आने वाले टाइम में जो गैंगस्टर वगैरह जो चल रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उस चीज़ को कम किया जा सके। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत को समेकित कोष गठित किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा
266 1A के तहत है जो इसका गठन किया गया है। ये समकेशित कोष क्या है, ये क्या है, जो भी आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट भारत सरकार को टैक्सेस मिलती है उसका जो हर हिसाब रखना है उस इस कोर्स का काम है। तो इसका है जो 266 1A के तहत इसका गठित किया गया है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखें। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पशुओं के लिए भारत का पहला क्वारंटाइन सेंटर बन गया है और ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो आपका उत्तराखंड में स्थित है, यहाँ पर सबसे अधिक है जो हाथियाँ पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि उत्तराखंड में है, और इसको है जो भारत का पहला क्वारंटाइन जानवरों के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उस कंपनी का नाम जिसने महिला उद्यमिता को चलाने के लिए और भारत में महिलाओं के बीच प्रौद्योगिकी को अपनाने और प्रसार करने के लिए प्रगति नामक पहल को शुरू किया है। तो ये है जो आपका फेसबुक ने है जो प्रगति नामक पहल को शुरू किया है, जिसके अंतर्गत जो भी महिलाएँ और अपने उद्योग को अपनाती है और अच्छा उसमें प्रोत्साहन दिखाती है तो उसको है जो 50 लाख का इनाम है जो फेसबुक की तरफ से दिया जाएगा इस पहल के तहत, ठीक है। तो ये है जो बेसिकली महिलाओं में है जो रोजगार के प्रति उद्योग को बढ़ावा देने के लिए है जो इस पहल को शुरुआत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में किस कंपनी ने COVID-19 से संबंधित सवालों को जवाब फ्री में देने के लिए वाटसन असिस्टेंट फॉर सिटीजन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स IBM। IBM ने है जो वाटसन असिस्टेंट फॉर सिटीजन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, जिससे क्या होगा कि जो भी है जो मतलब कोरोना के बारे में जानना चाहते हैं, जानकारियाँ लेना चाहते हैं, वो इस के थ्रू है जो वो जानकारियाँ उनको फ्री में दी जाएगी, ठीक है। बात करते हैं IBM की, तो IBM का फुल नेम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसका है जो फाउंडर है चार्ल्स रिलीफ फ्लिंट, है ना। ये कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स, अमेरिका में है। इसका मेन कॉर्पोरेशन ऑफिस कहाँ है, अमेरिका में है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के किस प्रसिद्ध लोक गायक का निधन हो गया है। तो वो राइट आंसर इसका होगा परवई मुनियम्मा। परवई मुनियम्मा है जो तमिलनाडु के प्रसिद्ध लोक गायक के रूप में है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इनका जन्म है जो 26 जून 1937 को हुआ था, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, फिर याद रखना इसको। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस कब मनाते हैं। तो राइट आंसर इसको हर किसी को पता होगा, 1 अप्रैल को है जो भारतीय रिजर्व बैंक स्थापना दिवस है जो हम मनाते हैं, ठीक है। इसके वर्तमान में भी है जो गवर्नर कौन है, अभी बताया था फ्रेंड, ये कौन है, शक्तिकांत दास है इसके वर्तमान में गवर्नर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना वायरस के कारण किस देश के हास्य कलाकार शिमुरा का निधन हो गया। तो ये इसका राइट आंसर होगा जापान। जापान के है जो हास्य कलाकार थे शिमुरा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 स्थगित होने के बाद अब अगले वर्ष कब आयोजित किया जाएगा। तो अगले वर्ष यानी 2021 में, तो इन दो तीन में से एक होंगे, ठीक है, 2022 तो होगा नहीं, ठीक है। तो 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच, 8 अगस्त 2021 के बीच है जो टोक्यो ओलंपिक है जो स्थगित किया गया, वो अगले साल में है जो आरंभ किया जाएगा। हाल ही में किस भारतीय इतिहासकार का निधन हो गया। तो भारतीय इतिहासकार कौन है, अर्जुन देव। अर्जुन देव है जो NCERT के भारतीय इतिहासकार थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इनका एज है था मात्र 81 ईयर के एज में है जो इनका निधन हो गया। इनका जन्म हुआ था पंजाब के वेस्ट प्रांत में, जो कहाँ पर वो पड़ता है आपके, अभी पाकिस्तान में, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 12 नवंबर 1938 को है जो इनका जन्म हुआ था, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस व्यक्ति को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंतर्गत है जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का खिताब दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बॉब बेटन। बॉब बेटन को है जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में है जो बुजुर्ग व्यक्ति का खिताब दिया गया है। इनका है जो टोटल एज था 112 साल 1 दिन का है जो इनका टोटल एज था, और इनका 30 मार्च 2020 को है जो निधन हो गया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको याद करिएगा फ्रेंड, ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने मोदी किचन शुभारंभ किया है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु ने है जो मोदी किचन शुभारंभ किया, जैसे आपका फूड बैंक मणिपुर में था, सेम वैसे ही तमिलनाडु ने भी मोदी किचन का आरंभ किया, जिससे क्या होगा, गरीब और भूखे लोगों के बीच है जो कोरोना के लॉकडाउन के केस में है जो आपको खाना पहुंचाया जा सके, लोगों के बीच है जो भोजन अवेलेबल कराया जा सके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कोरोना वायरस पोर्टल
वायरस पोर्टल दृष्टि का आरंभ किया है। तो ये होगा वायरस पोर्टल दृष्टि, किसने आरंभ किया है? उत्तराखंड ने। ये दृष्टि पोर्टल है क्या? दृष्टि पोर्टल है जो आपके राज्य में वर्तमान में कितने हैं जो कोरोना पेशेंट मिले हैं उसका एक्यूरेट है, जो लोगों के बीच जानकारी देने के लिए है, जो इस पोर्टल का लॉन्च किया गया, ताकि लोग है जो कोरोना से होने वाले जो भी पेशेंट है उसके बारे में जानकारी मिल सके। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 29 अप्रैल को है जो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है, जो किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, जो हाल ही में उषा गांगुली का निधन हो गया, उषा गांगुली कौन थी? उषा गांगुली एक क्या थी? निर्देशक, डायरेक्टर थी। ठीक है, जिसका है जो सबसे ज़्यादा अधिक इनके फिल्म में डायरेक्शन वगैरह कहाँ होता है? कोलकाता के थिएटर में है, जो इनका खुद का अपना थिएटर है जो कोलकाता में भी है। इनका निधन हो गया, इनका जो निधन हुआ है वो डेट है 23 अप्रैल 2020। ठीक है, 23 अप्रैल 2020 को है जो इनका निधन हो गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 30 अप्रैल, 30 अप्रैल को है जो आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बजाज ऑलियन जनरल इंश्योरेंस के साथ मिलकर कोरोना वायरस हॉस्पिटल जिरोन बीमा पॉलिसी कोरोना केयर का शुरू किया है, शुभारंभ किया है? तो ये है जो फोन पे के साथ मिलकर के जो बजाज ऑलियन है जो मिलकर है जो ये पॉलिसी को शुरू किया है, जिसके अंतर्गत क्या है, 156 रुपये का प्रीमियम पॉलिसी है, जिसमें क्या होगा, जो भी है जो कम 55 साल से कम उम्र के व्यक्ति हैं उनको है जो ये इंश्योरेंस पॉलिसी का सुविधा दिया जाएगा, जो कोरोना वायरस आदि से किसी तरह का कुछ होता है तो उनको है जो 50,000 रुपये तक का इंश्योरेंस है जो कवर किया जाएगा। ठीक है, 156 रुपये के पॉलिसी के अंतर्गत। तो ये बजाज ऑलियंस और फ़ोनपे मिल करके इस इंश्योरेंस पॉलिसी को सामने लाया है। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य कर्मचारी को परिवहन सेवा प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के भागीदारी किया गया है? तो ये है उबर द्वारा। उबर द्वारा है जो लोगों के बीच है जो डॉक्टर जो भी हैं जो कोरोना का ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी उबर ने ली है। अगला क्वेश्चन है, नासकॉम के अध्यक्ष के रूप में घोषित किए गए व्यक्ति का नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा फ्रेंड देवजनी घोष, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, देवजनी घोष को है जो यहाँ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। नासकॉम क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ठीक है, इसका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, 2005 के बाद दुनिया के अग्रणी पुरुष क्रिकेटर के रूप में नामित होने वाला पहला अंग्रेजी खिलाड़ी है वो कौन होंगे फ्रेंड्स? 2005 के बाद जो है बने हैं वो है आपके बेन स्टोक है, जो दुनिया के अग्रणी पुरुष क्रिकेटर के रूप में चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के साथ गवर्नमेंट टेलीकॉम ऑपरेटर BSNL ने भारत इंस्टेंट पे UPI पेमेंट का बेस प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की साझेदारी की है? तो ये है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के साथ मिल करके है जो BSNL ने इस सुविधा को लॉन्च करने की साझेदारी की है। अगला है, उस कंपनी का नाम बताएं जिसने एडिशन अवार्ड 2020 के लिए जीता है, जिसका नाम क्लब एनर्जी स्विच ऑफ टू स्विच ऑन है। ये है जो टाटा पावर है जो जिनका एक क्लब एनर्जी के थ्रू स्विच ऑन टू स्विच ऑफ का जो एक मिशन था, जिसके अंतर है जो इनको एडिशन अवार्ड 2020 का खिताब मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड के ब्रांड एम्बेसडर है जो विश्वनाथन आनंद को है जो चुना गया है, जो कि एक क्या है, चेस प्लेयर हैं, शतरंज के प्लेयर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उस कंपनी का नाम बताएं जिसने नए वर्चुअल ब्रांड कीबोर्ड का नाम टॉकबैक लॉन्च किया है। तो ये इसका राइट आंसर होगा, टॉकबैक किसने लॉन्च किया है? तो वो है आपका गूगल ने है जो आपका इस सुविधा को लॉन्च किया, ताकि जिससे क्या होगा, जो भी मतलब ज़्यादा है जो वर्चुअल इफेक्ट होता है आँखों पे, जिनको प्रभाव पड़ता है जो टैपिंग वैपिंग करने को, तो ये है जो टॉकबैक के थ्रू अपना है जो टॉकिंग मतलब कीवर्ड वगैरह कीवर्ड का बना करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही है जो सुटेबल है जो आपके ब्लाइंड पीपल्स हैं और जो इनको आँखों में दिक्कत होती है कंप्यूटर वगैरह पे काम करने में, तो वह जो टॉकबैक का यूज़ कर सकते हैं। अगला है, ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कन्वेंट्री मॉडल भारत के किस राज्य ने विकसित किया? तो
तो ये है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु नहीं है जो ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजर्वेटरी सिस्टम को है जो विकसित डेवलप किया है, जिससे क्या होगा क्योंकि बटरफ्लाई के है जो देश में है जो जनसंख्या कमती जा रही है दिन पर दिन, तो उस चीज़ को कंजर्वेशन करने के लिए संरक्षण देने के लिए है जो इन्होंने जो इस चीज़ को शुभारम्भ किया है, जिसके अंदर क्या होगा बटरफ्लाई का जो संरक्षण किया जाएगा क्योंकि बटरफ्लाई भी अपने इकोलॉजी सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है पृथ्वी दिवस कब मनाया गया था। पृथ्वी दिवस है जो आपको 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को है जो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, जिसका थीम क्या था क्लाइमेट, जिसका थीम था क्लाइमेट एक्शन। और यह भारत यह है जो पृथ्वी का पचासवां एनिवर्सरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो यह है आपका नीदरलैंड। नीदरलैंड के हेग्यू शहर में है जो इसका मुख्यालय है, जो क्या करता है सारे वर्ल्ड के जो रिलेटेड जो है इंडिया हो गया पाकिस्तान हो गया इन सभी के बीच है जो जस्टिस देने का काम करता है। ठीक है, इंडियन चीफ जस्टिस जो है वो कहाँ है आपका नीदरलैंड में है। अगला है नूर किस देश का पहला सैन्य उपग्रह है। तो नूर है जो आपका किसका हो सकता है, तो ये है आपका ईरान का है जो पहला सैन्य उपग्रह है जो अभी हाल ही में लॉन्च भी हुआ है 23 अप्रैल 2020 को। ठीक है, जो पूछा जा सकता है क्वेश्चन जो कि अभी सफल रूप से लॉन्च हुआ है। फ्रेंड्स ये था आपका अप्रैल मंथ 2020 का करंट अफेयर। फ्रेंड्स मुझे होप है कि आपको ये सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे और समझ में भी आए होंगे, और ये जो सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं पूर्ण रूप से है। फ्रेंड्स तो इन सभी क्वेश्चन को एक बार आप रिवाइज कर लेना फ्रेंड्स, और किसी भी तरह का कोई क्वेरीज हो तो आप है जो अपने क्वेरीज को कमेंट सेक्शन में डालें, जिसका आपको हम आपके सॉल्यूशन देंगे। अगर हो सकता है तो सॉल्यूशन कमेंट से मिल जाए, और नहीं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका उसका सॉल्यूशन ला के आपको आपके सामने रखेंगे फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, है जो ये है जो आज का वीडियो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें, ताकि है जो आपके दोस्तों के बीच भी इस चीज़ का नॉलेज मिले, करंट अफेयर जानेंगे वो भी, और आपके दोस्तों से हम जुड़ेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप है जो इस चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं करो फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब कर लो, और है जो बेल आइकन को भी क्लिक करना, जिससे कि आपको है जो हमसे जुड़े सारी वीडियो है जो आपको अपडेट नोटिफिकेशन आते रहे फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।